आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर स्वाभिमान ब्राह्मण मंच मुजफ्फरनगर के बैनर तले जिले के साथ साथ अन्य जिलों के भी ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने आज भाजपा से हथौली विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर उचित कार्रवाई करने की मांग का दबाव बनाया। जी हां, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से हथौली विधायक विक्रम सैनी आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देते रहते हैं, जिससे वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे हथौली विधायक विक्रम सैनी का विवादों से पुराना नाता हो रहा है। जी हां, आपकी बार इन्होंने ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी की है जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनके ऊपर खतौली विधायक विक्रम सैनी ने बड़े ही अभद्र टिप्पणी करते हुए पूरे ब्राह्मण समाज को अपने खिलाफ कर लिया है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि खतौली विधायक विक्रम सैनी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो टिप्पणी की है वह बहुत ही निंदनीय है। उन्हें अय्याश व अश्लील बताया गया है। जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई, क्या ऐसे व्यक्तित्व पर ऐसी टिप्पणी करना कहां तक सही है? हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन खतौली से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करे, अन्यथा आगे की रणनीति यहीं से तैयार की जाएगी। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि एक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विक्रम सैनी खतौली से। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री और बहुत ही सम्मानित और बहुत ही महान व्यक्तित्व के स्वामी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। उन्हें अश्लील बताया, उनके पर उन्हें बताया कि वह अय्याश थे। उनका पूरा बाद में पूछा, उन्होंने कहा मीडिया को, अरे उनका तो पूरा का पूरा ही परिवार अय्याश था। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 14.5 वर्ष जेल में रहे, और जेल की एक ऐसी कोठरी थी जिसमें ना तो पूरे हाथ फैल सकते थे, ना पूरे पैर फैल सकते थे, ना आदमी सो सकता था पैर फैला के। ऐसी कोठरी में उन्होंने 14.5 साल व्यतीत किए समय समय पर। जो है आप उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, आम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, आज उन्हीं लोगों की बदौलत तो ले रहे हैं। अगर आज में लोग इस तरह के लोग विधायक हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय और जो हमारे आज़ादी के जितने भी लोग थे, सरदार पटेल, उन्होंने देश को आज़ाद कराया तो तभी तो MLA हैं। नहीं तो अंग्रेज़ों के अगर हम गुलाम होते तो क्या यहाँ MLA होते या अधिकारी होते? तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, जो हमारे महान पुरुष थे, अगर उनके खिलाफ आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो क्या ये उचित है? तो इस तरह से आज हम सब ने मिलकर ब्राह्मण स्वाभिमान मंच की तरफ से ये धरना दिया है, और इस धरने में ये धरना आज रहेगा, उसके बाद ज्ञापन देंगे DM साहब को, और जब तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये धरना चलता रहेगा। इसका रूप एक स्टैंडिंग कमेटी हमने बनाई है, शाम के टाइम वो कमेटी बैठेगी, इसका आगे क्या रूप दिया जाए, इसे कर्मी कंसर्न में बदला जाए या इसका क्या किया जाए। तो उस तरह से जब तक उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती तो तब तक हम चैन से